कल्याण संघ अध्यक्ष राशिद अली से मिलने पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बहराइच। पत्रकार कल्याण के संघ अध्यक्ष राशिद अली के साथ एक्सीडेंट को घटना पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी चर्दा डॉक्टर अरिजीत श्रीवास्तव द्वारा एक मामले की जानकारी चर्दा डॉक्टर अरिजीत श्रीवास्तव द्वारा एक मामले की जानकारी प्राप्त करने की पर दी गई गाली गलौज पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने की जानकारी प्राप्त होने पर प्रगतिशाली समाजवादी पार्टी के बैरेज के जिला अध्यक्ष मोहम्मद वसीम सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी पत्रकार के ननपारा स्थित आवास पर पहुंचे और हार चाल लिया और प्रकरण की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रगतिशाली समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वसीम ने कहा कि पत्रकार के उत्पीड़न की जानकारी मिलने से आया हूं और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पत्रकार के साथ मैं हूं और अगर जिला प्रशासन शीघ्र ही दोषी डॉक्टर के विरुद्ध पत्रकार उत्पीड़न के मामले में तत्काल मुकदमे दर्ज करें और पत्रकार के साथ में कोई भी ज्यादती की गई तो प्रगतिशाली समाजवादी पार्टी पत्रकार सम्मान में सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे और मजबूत हो जाएगी। इस दौरान प्रगतिशीली समाजवादी पार्टी के कई पदाधिकारी सहित पत्रकार राजा बाबू गोस्वामी राजकुमार एम रफी तहर शेख आदि मौजूद रहे। सर जी इनकी क्या समस्या है, समस्या के बारे में पूरी जानकारी हमको दीजिए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के दिलचस्प में पत्रकार उत्पीड़न के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है, पत्रकार के साथ जो अभद्रता का व्यवहार चल रहा है उसके खिलाफ आज एक पत्रकार से मिलने हम उनके आवास से पहुँचे हैं, इसलिए कि इनके साथ किसी डॉक्टर ने बदतमीजी की है जिसका नाम अरिजीत श्रीवास्तव है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से शासन से मांग करता हूँ कि पत्रकार उत्पीड़न जिस तरीके से किया जा रहा है पटना से पत्रकार उत्पीड़न बहराइच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और पत्रकारों के उत्पीड़न के खिलाफ अगर इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया गया तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रशासन के खिलाफ।